हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वेलकम टू लिटरेसी वर्कबुक फ्रॉम लर्न फॉरवर्ड फेदर कैप। लेट्स स्टडी द न्यू अल्फाबेट्स फ्रॉम एक्स टू जी। थोड़े से ये एक्स है, दो तीन अल्फाबेट्स हैं ये, क्योंकि ये खत्म होने वाली है हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट्स। हमने सारे सीखे, अब हम सीखेंगे लेटर एक्स। Color the boxes with different colors having letter X and 5. अब हमें अलग-अलग कलर से letter X को ढूंढना है. So this is letter X, color this way. This is X. एक इसको करेंगे, एक इसको, एक इसको, एक इसको, इसको, इसको और इसको. और अब हम उन्हें करेंगे yellow color से. X X, 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 X and X. You can use different colors also. ठीक है, आपके crayons जितने हैं आप कोई सा भी color use करके सारे X's को color करेंगे तो ये बन जाएगा capital X, एक बड़ा X. Two slanting lines को जब हम cut करते हैं, point पे cut करते हैं, तो हमारा letter X बनता है. इसमें क्या करना होता है? एक slanting line को नीचे ले जाना होता है और दूसरी स्लैंटिंग लाइन को भी नीचे ले जाना होता है. ये बन जाता हमारा लेटर एक्स. सब बच्चे अपने फिंगर से बनाएंगे लेटर एक्स दिस वे, पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक, अगेन पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक. दिस इज वेरी इजी. यू हैव टू पेस्ट अ स्टिकर ऑफ एक्स आल्सो. पिंक लाइन टू ब्लू लाइन, पिंक लाइन टू ब्लू लाइन, पिंक टू ब्लू, पिंक टू ब्लू, last one pink to blue and pink to blue. This is letter X. Okay, chaliye, let's study the new alphabet. This is letter Y. Y, paste a strand of yarn in the empty space. Ab yarn kya hota hai? Dhaga ya rui, oon. To aapko apni dadi se kehna hai ki unke paas surely oon hogi, कि आप उनसे कलरफुल ऊन के धागे लेके इस बॉक्स में पेस्ट करिए या वाई की शेप में बनाइए. ठीक है, चलिए वाई पढ़ते हैं कैसे बनता है. इट्स लाइक अ स्मॉल वी और उसके बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, एक हम स्मॉल वी बनाएंगे ऐसे और उसकी टेल निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा लेटर वाई. अगेन पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक पिंक वी और उसकी निकाल दी हमने टेल. पिंक टू पिंक एंड दिस वे. अगेन हम बनाएंगे ऐसे, हमने एक वी बनाया छोटा और उसकी टेल निकाल दी. सो दिस इज लेटर वाई. ओके, लेट्स स्टडी द लास्ट अल्फाबेट जी. दिस इज जी एज अ जिप, जी एज अ ज़ेब्रा. कलर ओ the pictures you find in a zoo. Z for Z for zoo भी होता है. तो कौन कौन से एनिमल जू में दिखते हैं? लायन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, पिकॉक एंड ज़ेब्रा. ये सारे एनिमल्स हमें जू में दिखाई देते हैं. Z कैसे बनता है? One sleeping line, then a slanting line coming down and another sleeping line. So this is letter Z. Paste the sticker of letter Z in the box. One sleeping line, slanting line, sleeping line. One sleeping line, slanting line, sleeping line. One sleeping line, slanting line, sleeping line. One slanting line. This way, देखो pink पे बनाई मैम ने. फिर पिंक से ब्लू तक लेके आए लाइक अ नंबर 7 और फिर उस ब्लू पे छोटी सी स्लीपिंग लाइन. सो दिस इज लेटर जी. ओके, सो प्रैक्टिस दिस ऑल द अल्फाबेट्स एंड डू हैप्पी लर्निंग.